उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। छठे चरण की 14 सीटों में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, सुरक्षित, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, सुरक्षित और भदोही जनपद में वोट पड़ रहे हैं। इस चरण में 2,70,69,874 मतदाता 162 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि छठे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। जो भी मतदाता शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ पर कतार में उपस्थित रहेंगे, वे सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। छठे चरण में कुल 2,70,69,874 मतदाता हैं, जिसमें 1,43,30,361 पुरुष और 1,27,38,257 महिला मतदाता है। 1,256 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक मतदाता संत कबीर नगर और सबसे कम मतदाता इलाहाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं। उन्होंने बताया कि इन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 162 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 146 पुरुष तथा 16 महिला प्रत्याशी हैं। सबसे अधिक 26 प्रत्याशी प्रतापगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एवं सबसे कम 6 उम्मीदवार डुमरियागंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं। इस छठे चरण में मुख्य रूप से सुल्तानपुर से भाजपा की वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, आजमगढ़ से भाजपा के दिनेश लाल यादव, निरहुआ और सपा के धर्मेंद्र यादव, श्रावस्ती से भाजपा के साकेत मिश्र, डुमरियागंज से भाजपा के जगदम्बिका पाल, इलाहाबाद से भाजपा के नीरज त्रिपाठी और कांग्रेस के उज्ज्वल रमन सिंह और जौनपुर से भाजपा की टिकट पर कृपाशंकर सिंह चुनाव मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि छठे चरण के चुनाव में कुल 28,171 मतदेय स्थल पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से 3,978 क्रिटिकल हैं, 17,113 मतदान केंद्र हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बल और स्थानीय फोर्स की तैनात की गई है। आयोग ने 3 विशेष प्रेक्षक, 14 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक तथा 18 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2,192 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 282 जोनल मजिस्ट्रेट, 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 2,833 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। नवदीप रिणवा ने बताया कि भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए पूर्ण सावधानी बरती गई है। सभी मतदान केंद्रों में शीतल पेयजल, शौचालय, दिव्यांग व वृद्धजनों के लिए व्हील चेयर व कुर्सियों की व्यवस्था है। पोलिंग स्टेशन परिसर में मतदाताओं की कतार तक छाया की व्यवस्था कर दी गई है। प्रत्येक मतदेय स्थल पर पैरामेडिक्स व आशा कार्यकर्त्री पर्याप्त मात्रा में ORS एवं मेडिकल किट के साथ मौजूद रहेगी। आपातकालीन स्थिति के लिए एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है।